वेलकम बैक क्लास। अब 7.3 में बेटा Q1 के सेकेंड सम की रिक्वेस्ट आई है, सो लेट मी सॉल्व दैट। प्रैक्टिस सेट 7.3 Q1 जो है ना बेटा, उसके अंदर हमें पूछा गया है which of the following statements are of inverse variation? आपको अलग अलग चार statements दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा sum inverse variation का है। मुझे जो request आई है वो statement number 2 की आई है, तो मैं 2 के लिए request पढ़ रहा हूँ। Number of pipes of same size to fill a tank and the time taken by them to fill the tank. ठीक है? अब इसको आप कैसे रीड करते हो? देखो, आपके पास एक ड्रम दिया है, for an example, टैंक है। अब टैंक को ऊपर उठा के हम ड्रम ले लेंगे, ठीक है? आपने अगर एक पाइप लगाई तो वो पूरा ड्रम भरने में 20 मिनट 20 मिनट लग सकते हैं। फिर आपने बाजू में एक और नल था, सेम साइज की दूसरी पाइप लगा दी, तो अब दो पाइप से जब पानी अंदर जाएगा तो पानी जल्दी जल्दी भरेगा, तो आपका जो ड्रम भरने का टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर आपने तीसरी पाइप भी उसके अंदर डाल दी तो और जल्दी भरेगा, चौथी पाइप भी डाल दी तो और जल्दी भरेगा। इससे हो क्या रहा है बेटा, जैसे जैसे आप पाइप का नंबर इंक्रीज कर रहे हो, एक की जगह पर दो पाइप, दो की जगह पर तीन पाइप, तीन की जगह पर चार पाइप, आपका ड्रम फटाफट भरने लगेगा, यानी कि आपका टाइम हो रहा है रिड्यूस। करेक्ट? तो ये हो गया ना इनवर्स वेरिएशन। जब पाइप हो रही है इंक्रीज तो टाइम हो रहा है रिड्यूस। अब इसको लिखते कैसे हैं मैं आपको वो सिखा देता हूं। तो आप यहां पर लिखोगे व्हेन द नंबर ऑफ पाइप्स of same size to fill a tank increases the time taken by them to fill the tank will decrease. Hence, it is an example of inverse variation. है ना? Simple था? क्या है नंबर वन? अगर नंबर ऑफ पाइप्स को आप इंक्रीज कर दोगे तो बहुत जल्दी वो टाइम भर जाएगा, तो आपका टाइम अपने आप क्या हो जाएगा? डिक्रीज। आप इसको ऑपोजिट भी कर सकते हो। मान लो आपने उस टैंक में चार पाइप डाल रखी थी, आपने उसमें से दो पाइप निकाल दी, तो जब आप पाइप को डिक्रीज कर दोगे, नंबर ऑफ पाइप को डिक्रीज कर दोगे, तो अपने आप टाइम जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। हेंस ये वाला स्टेटमेंट
बरोबर इनवर्स डायरेक्शन पे फिट बैठता है. क्लियर. अब इसके आगे बेटा द लास्ट सम व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट सम जो कार वाला सम है वो सम मुझे सॉल्व करने के लिए रिक्वेस्ट आई है. सो वी विल सॉल्व दैट सम. वो थोड़ा सा लेंथी सम है सो दैट वी विल कंटिन्यू इन द